ओम परमात्मने, हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधु ऐसे दो कारण पर, जो ये दो कारण मेरे प्रिय बंधु आपको सुखी समृद्ध बना सकते हैं, और यही दो कारण संसार में दुख और दरिद्रता को उत्पन्न किए हुए हैं। ये समझने का प्रयास करिए कि ये दो कारण मेरे प्रिय बंधु जो भी अपने जीवन में अपनाए हुए हैं वो सुखी समृद्ध है, और ये दो कारण से जो हीन है वो दुखी और दरिद्र हैं। ये आप अनुभव कर सकते हैं अभी दो मिनट बाद, ये समझने का प्रयास करिए इसी वीडियो में। ये अनुभव मैं आपको मेरे प्रिय बंधु प्रैक्टिकली करा रहा हूँ, समाज में देखकर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि यही सिस्टम चल रहा है, और ये सिस्टम जो भी पालन कर रहे हैं वही मेरे प्रिय बंधु समृद्ध और सुखी हो रहे हैं। मेरे प्रिय बंधु पहला, ये समझने का प्रयास करिए, और ये अपना अनुभव भी है, भले ही मैं अभी सुखी और समृद्ध उस लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से अंदरूनी तौर से हमें ये पूरा आशा है और पूरा विश्वास है मेरे प्रिय बंधु कि यही सत्य है, और ये वेद और शास्त्र कह रहे हैं, और अपने अंदर का अनुभव भी है। ये समझने का प्रयास करिए, सर्वप्रथम मेरे प्रिय बंधु आप आँख उठाकर इस संसार में देखिए, पहला वो सिस्टम है, वो कारण है जिसे कहा जाता है उषा काल, नक्तोतस काल, ब्रह्म मुहूर्त। मेरे प्रिय बंधु ये ऐसा काल है जिस काल में जो भी व्यक्ति उठने वाले हैं वो सुखी समृद्ध और स्वस्थ होंगे, और ये काल मेरे प्रिय बंधु आप देखिए कि संसार में लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए लोगों का ये हाल है। जो भी मेरे प्रिय बंधु आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, जो भी सुखी समृद्ध बना हुआ है, या तो ऊपरी लेवल पर आज भी देख लीजिए जो है अंबानी अंडानी, या फिर जो भी बाहरी लोग हैं मेरे प्रिय बंधु, उनसे पूछिए, उनसे जानकारी लीजिए, उनसे देखिए, उनके इंटरव्यू को देखिए, वो ब्रह्म मुहूर्त पे क्या बता रहे हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के विषय में क्या सोचते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के लेकर क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। हम लोगों के विषय में ये देखिए कि हम लोग जैसे समाज में ब्रह्म मुहूर्त के विषय में 70% लोग तो जानते ही नहीं होंगे, नाम नहीं सुने होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। इसके विषय में तो मेरे प्रिय बंधु सुने भी होंगे तो कोई मतलब नहीं, उन्हें जानकारी नहीं, तो ये समझने का प्रयास करिए ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ये ब्रह्म मुहूर्त मेरे प्रिय बंधु सुख समृद्धियों को देने वाला है, ये ब्रह्म मुहूर्त मेरे प्रिय बंधु आप में बल बढ़ाने वाला है, ज्ञान बढ़ाने वाला है, और ये बल, ये ब्रह्म मुहूर्त मेरे प्रिय बंधु जो भी व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे, वो निश्चित ही रोगी, क्षीण, दुखी, दरिद्र, मेरे प्रिय बंधु सिस्टम ये बना रहेगा, ये सिस्टम हट नहीं सकता। मैं ये मान सकता हूँ कि 12 घंटे 15 घंटे सरकारी नौकरी भी हो सकता है उन व्यक्ति का, लेकिन उस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जिसे सुखी समृद्ध कहा जा सकता है। मैं इन लोगों को सुखी समृद्ध मानता ही नहीं मेरे प्रिय बंधु जो इतने में हो, ये समझने का प्रयास करिए। परमपिता परमात्मा की कृपा से एक भी रोग आप में ना हो, एक भी प्रकार के दुख आपके अंदर ना हो, कि किसी भी प्रकार से दुख आपको मिल रहा हो, तो फिर वो सिस्टम होता है कि सुखी समृद्ध उस व्यक्ति को कहा जा सकता है। और पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये समझने का प्रयास करिए। फिर भी वेद कहता है कि ये उषा काल मेरे प्रिय बंधु बल और धन को प्रदान करने वाली है। क्या बल और धन को प्रदान करने वाली है, और वो मैंने अपने अंदर अनुभव किया है। इसमें उठने के बाद आप 2400 घंटे मेरे प्रिय बंधु ऊर्जावान रह सकते हैं, और उसके बाद ज्ञान की वृद्धि होगी, उसी ज्ञान की वृद्धि से आप निश्चित ही धनवान बन सकते हैं, बलवान बन सकते हैं, अन्य क्षेत्र में मेरे प्रिय बंधु प्रगति कर सकते हैं। इसी को आप देख लीजिए कि कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रहे हैं। जो लोग उठ पा रहे हैं मेरे प्रिय बंधु उनके विषय में देखिए, और जो नहीं उठ पा रहे उनके विषय में देखिए, आपको सरासर पता चलेगा। और बड़े लेवल से देखिए, इन छोटे लेवल पर, गांवी लेवल पर नहीं, कि जो अभी नया प्रारंभ किए, जैसे मैंने प्रारंभ किया, फिर भी अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूँ कि प्रतिदिन उठ सकूँ, फिर भी आप देखिए कि जो उस लेवल पर है उनके बारे में देखिए कि ऊपरी लोगों के लोग क्या कह रहे हैं इसके विषय में, तो आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम क्या है। इसी से व्यक्ति निश्चित ही धनहीन रहेगा मेरे प्रिय बंधु, रोगी रहेगा, दरिद्र रहेगा, दुखी रहेगा, इसी से। और ये चीज़ सभी के अंदर है, ये समझने का प्रयास करिए। इसका महत्वपूर्ण कारण आलस। दूसरा मेरे प्रिय बंधु कहा जाता है ब्रह्मचर्य पालन, और ये महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य से हीन होगा, वो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, उस लेवल पर नहीं कर सकता जिस लेवल पर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है मेरे प्रिय बंधु, ये अति आवश्यक है। इसे आप देख सकते हैं ऊपरी लेवल पर, जो भी ऊपरी लेवल पर आज मेरे प्रिय बंधु आप देखिए कि विश्व में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कौन है, उसे जाकर जानकारी लीजिए। लोकल लोगों से नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, जो प्राप्ति नहीं किए वो क्या बताएंगे, वहाँ से आप जानकारी लीजिए वो क्या कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त पर, वो देखिए। उसके बाद सबसे बड़े बलवान व्यक्ति को सर्च कीजिए कि विश्व में सबसे बड़ा बलवान कौन है, उनसे पूछिए ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, वो आपको बताएंगे मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है। ये लोग क्या बताएंगे जो स्वयं रोगी हुए पड़े हुए हैं, तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के विषय में और ब्रह्मचर्य के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त जो है इससे भी बहुत अधिक बढ़कर मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य पालन है। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप एक बार उठने को लेकर लगातार निरंतर प्रयास करके जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य मेरे प्रिय बंधु कठिन है, ये समझने का प्रयास करिए। असाध्य है उसे साधना, असाध्य बिल्कुल नहीं है, उसे साधना कठिन है, ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए
ब्रह्म मुहूर्त मेरे प्रिय बंधु निश्चित ही व्यक्ति को बलवान धनवान ज्ञानवान जो भी क्षेत्र में हो चाहे उस क्षेत्र में जा सकता है, जिस भी क्षेत्र में वो व्यक्ति आशा करे कि हमें इस क्षेत्र में जाना, ये कार्य करना, ये अमुक कार्य करना, वो निश्चित ही कर सकता है। इतना आत्मबल, इतना दृढ़ संकल्प उस व्यक्ति में निर्मित होता है और परमपिता परमात्मा की कृपा से निर्मित होता है, अन्य प्रकार से कोई निर्मित नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रिय बंधु ये दो कारण आप उठाकर आँख देख लीजिए, संसार में जो भी इस दो कारण से रहित है वो दुखी दरिद्रहीन है, और जो इस दो कारण से मेरे प्रिय बंधु परिपूर्ण है, इस दो कारण को अपने अंदर लेकर चलना चाहते हैं, दो कारण के साथ चल रहे हैं, वो निश्चित ही बलवान ज्ञानवान धनवान बनते चले जाएंगे। एक दिन की बात नहीं है, निरंतर आपको चलना होगा इस क्षेत्र में। तो ये कार्य आप करिए मेरे प्रिय बंधु, ये कार्य वास्तव में आपको बलवान धनवान बना सकता है। ये डिग्री आपको बलवान धनवान नहीं बना सकती, ये समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी शिक्षा जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए की जा रही है, वो नौकर आपको बनाएगी, वो बलवान का, वो तो जीवन जीने का एक रास्ता मेरे प्रिय बंधु। 10-20-25-50 हज़ार रुपये महीने आने लगे, जीवन कट रहा है, जीवन जी नहीं रहे, कट रहा है। सिर्फ और सिर्फ जीवन काटने के लिए, क्या मनुष्य तन काटने के लिए मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसमें तो आप वो कर सकते हैं मेरे प्रिय बंधु जो देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता है। जो ब्रह्मचर्य से हीन है वो निश्चित ही इन सब विषय में सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, निश्चित ही धनवान बलवान ना बने तो इसी कमेंट में आकर आप बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा कृपा हम सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मा।